सभी भाइयों को जय हिंद जय हिंद। आज जो है कि हमारे संघर्ष का दूसरा दिन है, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो है कि जारी है। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं हमारा बैनर पोस्टर लगा हुआ है, कल का आपने देखा होगा वीडियो में, यदि नहीं देखा है तो जाके देखिए वीडियो में। कल का जो जितने भी भाई जो है कि अपने अपने टी शर्ट गंजी उतार करके दमदार प्रोटेस्ट हुआ, जिससे जो है कि सरकार की नींव तक पूरा हिल गई है। आपको जो बहुत जल्द ही कुछ अच्छी खबर देखने को मिलेगी, तो चलिए आज भाई से कुछ बात कुछ बोलेंगे, क्या बोलिएगा भाई? दोस्तों आज भी जो घर पे बैठे हैं अपन सब घर से बाहर निकल के लड़ाई करिए, अपना संघर्ष लेके जाइए। अपन किसी कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे। आज भी आप अगर घर पे बैठे हो तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, आप रोड पे आके संघर्ष कीजिए। एक आपको शायरी की तरह सुनाता हूँ मैं, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी। गुमनाम तो वो है जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकले हैं। तो दोस्तों मेरा तो कहने का मतलब एक ही है कि घर से बाहर निकले और अपना हक लेके जाइए। यहाँ से अपना 4 तारीख तक का प्रोटेस्ट है, अभी तक कोई घर पे निकले हैं तो 4 तारीख अंतिम प्रोटेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ करके करिए। बोलिएगा भैया भाई अपना घर से निकलो यार, देखो हम लोग आपके लिए कितना यहाँ पे लोग संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ घर से निकल के आए और तुम लोग घर पे बैठे हो यार, कम से कम थोड़ा सा इज्जत तो रखो यार। आर्मी का बहाली निकाले हो, थोड़ा बहुत तो इज्जत होना चाहिए यार। घर से निकल के यार आज प्रोटेस्ट में शामिल हो, हमारा जरूर हम लोग जरूर जीत हासिल करेंगे भाई मेरे। और सबको सबके साथ में जिसका जिसका भी पेंडिंग एग्ज़ाम है, एयरपोर्ट में ज्वाइनिंग है, वो सबको लेके आओ यहाँ पे। भाई याद करो दिन जब हम सुबह में जब सुबह 4 बजे उठते थे, ठीक है, उठ के और ग्राउंड पे जाके दौड़ते थे, जिस समय में जो बड़े बड़े बाप के बेटे लोग जो है पप और क्या क्या बोलते हैं भाई, रात क्लब में, रात को क्लब में जाके हुक्का पीते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं, उस टाइम में हम लोग जो है कि मेहनत कर रहे थे अपने ग्राउंड पे। तो यही कहेंगे भाई अपने अपना हक के लिए आके लड़ो, अब बस लड़ो यार। अब नहीं निकल सकते घर से तो कभी नहीं निकल पाओगे, अब अपना अगर हक नहीं ले पाओगे तो कभी ले नहीं पाओगे, जिंदगी भर अफसोस रहेगा तुम लोगों को। अभी ट्रेन शर्म आ रही होगी तभी ट्रेन पकड़ लो यार, 4 तारीख तक चलने वाला है, उसके बाद भी परमिशन मिलेगा तो और चलेगा। और तुम लोग को शर्म नहीं आएगा कि इतने लड़के अगर लड़के हम लोग को हक दिला देते हैं, तुम लोग साले मुंह बाके बस जाओगे। अगर मान लो सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट हम लोग को सुन लेती है, तो वहाँ भी तुम लोग को शर्मिंदगी महसूस होगी, ट्रेनिंग के अंदर भी। फ्री में कितना मलाई चाहोगे भाई? भाइयों अभी भी मौका है हमारे पास, अंतिम संघर्ष है, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आ जाओ अभी जल्दी से जल्दी, मौका है, ये लास्ट मौका है 2 दिन का, ठीक है ना? जय हिंद। दशरथ मांझी से सीखो कि जब कोई गाँव वाला उनका साथ नहीं दिया तो छेनी और हथौड़ी लेकर के चल दिए थे पहाड़ पे, और तोड़ते 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 पहाड़ तोड़ के रास्ता उन्होंने बना ही दिए लिया। तो बस हम भी बिहारी हैं और यही संघर्ष किए हैं, बोलते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और अपना हक लेकर रहेंगे। जय हिंद। जय पकड़ो जो हम बोलेंगे आप जी। सलाम है उस गीदर को, सलाम है उस गीदर को जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, और धिक्कार है उस शेर पर जो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहते